वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने कचबोली वचबोली खा ली है और खा वा के हम रेडी भी हो चुके हैं। जस्ट नाउ अभी अभी खाना भी खाया है। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मैरिज का ऑलमोस्ट काम सब हो चुका है, सब अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। मैं आई हूँ अपनी मम्मी के घर और मम्मी के घर आके बड़ा ही मज़ा आ रहा है। ठीक है, बच्चों का पता नहीं चल रहा है कौन संभाल रहा है, कैसे संभाल रहा है। और आज तो दीदी ने हैरी को काजल लगा दिया। देखे भाई, ये हमारा बच्चा काजल लग गया, हमारे बच्चे को काजल लग गया। तो गाइस, अभी बना के आई हूँ ना, आपने देखा था ना, हमें साग की तैयारी कर रहे थे, बट अभी कुछ नहीं किया क्योंकि भैया ने बोला अभी मन नहीं है खाने का, रात में बनाना। तो अभी हम ना रात में बनाएंगे चूल्हे में मक्की दी रोटी, साग। और दीदी धान की रोटी बनाओगे? तो धान की रोटी भी बनेगी। सो गाइस, चाय आ चुकी है और हमारे दोनों तीनों बच्चे ये रहे, कृष्णा हैरी। इनके आंखों में आज इनकी आंखों में एक 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 काजल तो मिट गया, एक आंख का डाकू लग रहे, एक नंबर देखो डाकू लग रहे हैं आप आगे। देखो ना, चाय पी रहे हैं हम लोग। कृष्णा, डाकू, अरे हमारा कृष्णा कहाँ फंस गया, क्या हुआ? अरे कृष्णा, क्या हुआ कृष्णु, क्या हुआ कि भाई? कुछ इस तरह से गंभीर हालत में फंस चुके हैं। जेठी माँ क्या ले आई भाई? कृष्णा तेरी बुआ क्या लेके आई? देखे वाओ, मछली भी ले आए, सॉक्स भी ले। दीदी आप शॉपिंग करने चले गए क्या? कुछ ले लेते हैं। इन लोगों को देखो, ठीक है, आप देखो कि यहाँ पे साग ग्रैंड हो रहा है। ठीक है, वैसे तो उसमें हंडिया में घोटना था इस साग को, पर दीदी ने बोला कि नहीं, हम ग्रैंड ही कर लेते हैं क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। मेहनत नहीं करनी इन लोगों को, ना करनी मेहनत, तो ग्रैंड तो कर रहे थे। ठीक है, इन्वर्टर की हमारी लाइट है, इसमें लगाए पड़े हैं, चेक करके देखा पंखे का बटन तो लाइट ही नहीं आ रही है। तो भैया हमने क्या किया था, पूरा डाल दिया था इसमें साग और फिर निकाला, हमने सोचा ओवरलोड हो गया है। ओवरलोड कुछ नहीं वाला, इतनी आ रही है हमारे घर। सो गाइस, आप देख रहे हो साग की तैयारी मॉर्निंग से हो रही है, मॉर्निंग 9 बजे से, और अभी तक ये साग रेडी नहीं हुआ। दीदू कब होगा रेडी? अभी कब होगा, होगा भी या नहीं? तैयारी हो गई, अभी इसके पेट में दर्द हो रहा है। तो ये साग हम ग्राइंड करके ले आए हैं ऊपर। यहाँ पे हमारी हंडिया चढ़ चुकी है और दीदी साग बनाते हुए। सो गाइस, आज हम बना रहे हैं बढ़िया वाला साग। ये हमने रख दिया यहाँ पे और इसको हम चलाते हैं ऐसे। सो यहाँ पे हंडिया में साग बन तो रहा है पर पता नहीं चल रहा क्योंकि अंधेरा हो रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। लाइट विशु नानी ने क्या जलाया आपके लिए? नहीं, आप इसको भी क्या बोल रहे थे? आग नहीं दिया बोल रहे थे आप दिया। सो ये प्याज काट दिया है साग के लिए एंड ये बथुआ उबाल दिया है, इसका बनेगा रायता। सो या गाइस, यहाँ पे ना गरम कढ़ाई में हमने ना प्योर मस्टर्ड ऑयल ऐड किया है, साग का छौंक बन रहा है और साग का जो छौंक होता है ना बहुत अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। यहाँ पे ना दीदी ने ऐड की है सूखी लाल मिर्च, उसके बाद ऐड कर दिया है प्याज। आप चाहे तो प्याज को स्किप कर सकते हैं, उसके बदले में जीरा और सूखा हुआ धनिया जो होता है ना वो भी ऐड कर सकते हैं। सो इन दोनों चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे, उसके बाद यहाँ पर ऐड करेंगे ये एवरेस्ट का हींग आप कोई भी ले सकते हो, और लाल मिर्च ऐड करेंगे, लहसुन और अदरक कुटा हुआ, आप चाहे तो ग्राइंड करा हुआ भी ले सकते हैं। इसको ना 1 मिनट के लिए हल्का सा भूनने देंगे। ये जो मसाला दीदी ने बनाया ना, बहुत ही टेस्टी साग इससे बनके तैयार हुआ था और पूरी फैमिली के साथ इसको ना साग को खाने में मज़ा ही आ गया। तो आप देखोगे दीदी ने ये छौंक ना हंडिया में ऐड कर दिया है। साग में ना ऑलरेडी नमक और कच्चे चावल होते हैं ना, वो दीदी ने पहले ही डाल दिए थे। हैरी भी ऊपर आ गया, हैरी विशु ध्यान रखना, मैं भी आई।
सो या फ्रेंड्स, नीचे से जांच करके ऊपर गूद के ले आए हैं मक्की का और चावल का आटा। बार बार नीचे जा रहे हैं तो मस्ती कर रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं क्योंकि सारा सामान नीचे से ना ऊपर लेके आना पड़ रहा है। फैमिली के साथ मज़ा आ रहा है। सो यहाँ पे ना दीदी ने बहुत टाइम बाद ये रोटी बनाई है तो टूटी फूटी कटी फटी बन रही है। सो फ्रेंड्स, मम्मी ने क्या किया ना, पड़ोस में ना एक दीदी है, उनको बहुत ही अच्छी रोटी बनानी आती है, तो उनको ना मम्मी ने बुलाया, वो थोड़ी देर में आ जाएंगी। अभी ये गरम गरम साग में मेरी भाभी घी निकालते हैं। कोई नहीं, और डालो भाभी, कितना तक घी खा रहे हो, ज्यादा खाओ। ऊपर एक कड़छी में ये पनीर, ये है हमारी मक्की की रोटी। तो फाइनली हमारी मक्की की रोटी और चावल की रोटी बन चुकी है, ठीक है। और ये अभी आए हैं, इन्हें बहुत देर पहले बुलाया था मैडम जी को, और ये आ रही हैं पूरे एक घंटे बाद कि हमारी थोड़ी सी हेल्प करा दो, क्योंकि इन्हें परफेक्ट रोटी बनानी आती है। आप देखो कितनी गोल गोल रोटी बना रखी है, ठीक है। यहाँ पर हमारी भाभी खा रही है, मम्मी खा चुकी हैं, विशु ने भी खा लिया, सारों ने भी खा लिया, दीदी ने भी खा लिया। दीदी कैसा बन रहा था साग? बढ़िया बढ़िया। कालू कैसा बन रहा था? बहुत ही तगड़ा। हरी आखे बनाया किसने था? मम्मी ने बनाया था, बढ़िया बनाया था, बढ़िया बनाया था, बढ़िया बढ़िया। तो मुझे ये दे। हाँ तो भी मैं नहीं मारूंगी फिर। चलो रखो रखो, वेस्ट नहीं करके आटा। पहले तो मुझे ये दो, जल्दी रखो बस। आप मम्मी को मार दो तुम। क्या देर पाली नहीं मारते। सो फ्रेंड्स, सर्दी का टाइम है, छत पे रोटी बन रही है, बहुत ही मज़ा आया। हम सब लोगों ने खाना खा लिया है, ऑलमोस्ट सारी रोटी बन चुकी है। अब जो सामान हम नीचे से लेके ऊपर आए थे ना, वो सामान ऊपर से नीचे लेके जाना है। तो यहाँ पे हमारे ना विशु थोड़ी सी मस्ती कर रहे हैं अपनी जेठी माँ के साथ। तो जेठी माँ कर रही है विशु की पिट्टी पिट्टी मजाक ही मजाक में, और कालू बचा रहे हैं कि भैया मेरे भाई को नहीं मारना। भाई इन कृष्णा को, ये हैरी को, तो बस छत क्लीन करके पेट पूजा करके हम आ चुके हैं नीचे। यहाँ पे ना शालू हल्का सा मेरा ना फेशियल कर रही है, तो यहाँ पे ना प्योर कोकोनट ऑयल, प्योर एलोवेरा जेल लिया है पेड़ का। सो उससे मसाज करने से क्या होता है ना, विंटर में आपकी स्किन ड्राई नहीं होती है, मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपका फेस सॉफ्ट लगता है। इस चीज़ को आप नाइट में ही अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, कोई भी कर सकता तो है। बस फाइनली फेशियल के बाद ये आ चुकी है हमारी कॉफ़ी, और सब लोग कॉफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। गरम लग रहा है, तो बस अभी के लिए अभी के लिए गुड नाइट। खाना पीना सब हो चुका है, सारी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करी है। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स।